नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर वैलिड एलिगेशंस हो या जनरल एलिगेशंस हो तो एफआईआर को जो हाई कोर्ट है अपनी 482 सीआरपीसी की जो पावर्स है, इनहेरेंट पावर्स है, उसके अंदर वो उसको क्वेश कर सकता है। ऐसा ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में ऑब्जर्व किया और कहा कि हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था उसमें कोई जो इलीगलिटी नहीं पाई गई और इसलिए अपील थी वो खारिज कर दी थी। इसमें अपीलेंट है और स्टेट ऑफ तेलंगाना एंड अदर्स का ये केस था जिसमें अपीलेंट ने एक कंप्लेंट थी वो रजिस्टर कराई थी और इसमें अपने जो सन है बेटे के नाम बेटे के अगेंस्ट में और बेटे की जो वाइफ है उनके अगेंस्ट में और एक जो उनके जो डॉटर थी मींस जो जो वाइफ है उनकी जो डॉटर थी उनके अगेंस्ट में और वाइफ के जो फादर के अगेंस्ट में ये कंप्लेंट थी रजिस्टर थी जिनको रिस्पॉन्डेंट नंबर 2, 3, 4 और 5 बनाया था। तो अब ये एलिगेशन ये थी कि वो एक गिफ्ट डीड थी वो बनाई गई थी तो उनको ये अपीलेंट को खतरा था कि जो जो रिस्पॉन्डेंट नंबर 2 और 3 है मींस जो उनके जो बेटा और जो उनकी जो वाइफ है मींस जो बहू है वो उनको थ्रेटनिंग कर रहे हैं, उनको कन्फाइंड किया हुआ है एक जगह पे मतलब घर में कन्फाइंड किया हुआ और उनको थ्रेटनिंग कर रहे हैं कि जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफर कर दी जाए। और एक्सटॉर्शन का था वो केस था वो लगाया हुआ था मींस एक्सटॉर्शन के केस के अंदर भी एक जो है एफआईआर रजिस्टर्ड हुई थी और यहाँ से इस जो एफआईआर रजिस्टर्ड हुई तो उसके मींस एग्रीवेट होके जो सारे पार्टीज ने आगे अपील थी वो फाइल की थी मींस अपील नहीं 482 के अंदर एक याचिका थी वो दाखिल की थी माननीय हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट ने जो रिलीफ थी वो रिस्पॉन्डेंट नंबर 4 और 5 को ग्रांट कर दी थी मींस जो उनकी जो ग्रैंड डॉटर है उनको कर दी थी और जो मींस जो वाइफ के जो फादर हैं उनको जो रिलीफ थी वो ग्रांट कर दी थी जो एफआईआर थी वो क्वेश कर दी थी। अब जो मींस जिन्होंने जो मींस इन्फॉर्मेंट थी जिन्होंने कंप्लेंट थी जो कंप्लेनेंट थी उन्होंने हाईकोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज किया था, कहा था कि जो क्वेशिंग जो की गई है इस स्टेज पे वो गलत है, उसमें इलीगलिटी है, नेसेंट स्टेज पे हाईकोर्ट की पावर नहीं बनती कि उसको क्वेश कर दिया जाए जब इन्वेस्टिगेशन अभी स्टार्ट ही हुई थी। तो लेकिन अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑब्जर्व किया कि जो एफआईआर थी वो जो रजिस्टर्ड हुई थी उसमें एलिगेशंस थी वो सिर्फ जनरल थी और स्पेसिफिक एलिगेशंस रिस्पॉन्डेंट नंबर 4 और 5 के अगेंस्ट में नहीं लगाई थी। हाँ इम्प्रूवमेंट कर नहीं सकती हैं क्योंकि अगर इन्वेस्टिगेशन की स्टेज में या जो सब्सिक्वेंटली आप उसको इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते जो अपनी एलिगेशंस थी ताकि उनको मीन्स उनके अगेंस्ट में जो प्रोसीडिंग्स हैं वो चलाई जा सके। तो हाई कोर्ट के ऑर्डर में कोई एरर थी नहीं पाई गई, इलीगलिटी थी वो नहीं पाई गई थी, इसलिए जो अपील थी उसको खारिज कर दिया, डिसमिस कर दिया। आइए हम इसके कंटेंट्स को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए अपीलेंट जो है वो कंप्लेनेंट है, जैसे बताया था कि उन्होंने एफआईआर थी वो रजिस्टर कराई थी, क्राइम नंबर 2021 का था और रजिस्टर्ड हुई थी 342 जो कि कन्फाइनमेंट रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट से रिलेटेड है, 347 जो कि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट फॉर एक्सटॉर्शन ऑफ द प्रॉपर्टी को प्रेशर डालने के लिए जो कन्फाइनमेंट की जाती है वो उससे संबंधित है, 504 जो कि ब्रीच ऑफ पीस से रिलेटेड है, 506 क्रिमिनल इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड है, 384 एक्सटॉर्शन है और सेक्शन 34 था कॉमन इंटेंशन था और सेक्शन 23 और 24 था मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ द पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत वो था जो प्रोसीडिंग्स थी वो चल रही थी मीन्स जो रिस्पॉन्डेंट्स थे तो उसके ऊपर एफआईआर थी वो रजिस्टर्ड हुई थी। अब यहाँ सेकंड टू फाइव रिस्पॉन्डेंट के जो अक्यूज्ड बनाया गया था जो सेकंड रिस्पॉन्डेंट है वो सन है और अपीलेंट के थर्ड रिस्पॉन्डेंट थी वो वाइफ थी, वाइफ ऑफ सेकंड रिस्पॉन्डेंट और फोर्थ रिस्पॉन्डेंट थी डॉटर थी सेकंड और थर्ड के रिस्पॉन्डेंट मीन्स जो ग्रैंड डॉटर हो गई उनकी जो अपीलेंट की और फिफ्थ रिस्पॉन्डेंट है वो फादर है थर्ड रिस्पॉन्डेंट के मीन्स वाइफ के जो है फादर है। और यहाँ पर बताया कि जो अपीलेंट के जो हस्बैंड थे और अपीलेंट के दो सन्स थे जिनको सेकंड रिस्पॉन्डेंट बनाया गया तो एक और सन है और टू डॉटर्स भी थी डॉटर्स भी हैं
और अपीलेट के जो हस्बैंड है उनकी डेथ हो गई थी 24 फरवरी 2020 को, और 4 सितंबर 2017 को अपीलेंट और उनके हस्बैंड ने एक रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड थी, वो एक इमूवेबल प्रॉपर्टी थी, रेजिडेंशियल हाउस था, वो फोर्थ रेस्पोंडेंट को दिया था। अब 16 अक्टूबर 2017 को अपीलेंट और उनके हस्बैंड ने एक डीड ऑफ रेक्टिफिकेशन कर दिया था और कहा था कि जो इस मिस्टेक को करेक्ट किया जाए, और डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी गिफ्ट डीड थी जो 4 सितंबर 2017 की, और बताया कि एक अनदर गिफ्ट डीड थी वो एग्जीक्यूट की थी अपीलेंट और हस्बैंड ने 7 नवंबर 2017 को, और जिसमें जो फ्लैट अपार्टमेंट था वो सेकंड और फोर्थ रिस्पोंडेंट को मींस दिया था, सेकंड साल 7 नवंबर को जो रिस्पोंडेंट थे मींस सेकंड टू फोर्थ, सेकंड एंड फोर्थ रिस्पोंडेंट मींस जो सन है और डॉटर को वो फ्लैट और अपार्टमेंट दिया था। अब अपीलेंट का जो कथन ये केस ये था कि 29 मार्च 2019 को एक उनके जो हस्बैंड ने एक लेटर था वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ऑफ हैदराबाद को दिया था अर्बन डिस्ट्रिक्ट का, और उन्होंने कहा था कि जो सेकंड और थर्ड रिस्पोंडेंट हैं वो उनको हरास कर रहे हैं, थ्रेटन कर रहे हैं, और अपीलेंट को फोर्स कर रहे हैं कि जो गिफ्ट डीड को एग्जीक्यूट कर दें, जो उनकी वैल्यूएबल प्रॉपर्टीज के गिफ्ट डीड उनको एग्जीक्यूट कर दें। और सेकेंड एंड थर्ड रिस्पोंडेंट ने थ्रेटन किया था कि उनको थ्रेटन किया था अपीलेंट को कि वो एग्जीक्यूशन ये जो गिफ्ट डीड की जो एग्जीक्यूशन है उसके बारे में बताए ना, और इसलिए वो मीन्स जो अफ्रेड थे वो इसलिए वो अफ्रेड थे कि ये फैक्ट्स किसी को कहने के लिए, और ये अलेज था कि सेकेंड और थर्ड रिस्पोंडेंट है वो इल ट्रीट कर रहे थे उनके यंग सन जो है, उनके जो दोनों मीन्स अपीलेंट और जो उनके हस्बैंड का एक और सन था उनको इल ट्रीट कर रहे थे। तो अपीलेंट हस्बैंड ने जो रिक्वेस्ट की थी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कि जो गिफ्ट डेट थी उसको कैंसिल कर दिया जाए। लेटर में हस्बैंड ने मेंशन किया था कि ये इनकी जो कॉन्फिडेंट है वो अब जब उनकी मृत्यु हो जाए उसके बाद ही बताया जाए। अपीलेंट केस का ये था कि जो उनकी जो डॉटर है वो हैदराबाद में आई और ये जो और अपने हस्बैंड के साथ आई और एक कॉपी थी लेटर की 29 मार्च 2019 की और 7 नवंबर 2020 को और 12 नवंबर 2020 को अपील एंड डॉटर ने जो लेटर्स थे वो आदर्श कॉलोनी पुलिस स्टेशन एक हैदराबाद है वहाँ पे दिया, और एक और जगह बताई है साहिबाबाद पुलिस स्टेशन है हैदराबाद, तो यहाँ पर जगह पे उन्होंने 100 पुलिस स्टेशन में दिए और कहा था कि थर्ड और सेकंड और थर्ड रिस्पोंडेंट है वो इल ट्रीट कर रहे हैं अपीलेंट को, और कहा था कि उन्हें एक घर के अंदर बंद करके रखा हुआ है, और अपीलेंट ने एक डॉक्यूमेंट था वो साइन किया था 24 नवंबर 2020 को, उसको एनेक्स P7 बनाया था, उसमें ये डिक्लेयर किया था कि उनकी जो अपीलेंट ने ये कहा था कि उनकी जो लाइफ है वो डेंजर में है और इसलिए वो डरती हैं कुछ एक्शन हैं जो सेकेंड और थर्ड रिस्पोंडेंट ले सकते हैं। और एक और कंप्लेंट थी वो अपीलेंट ने 7 दिसंबर 2020 को कमिश्नर ऑफ पुलिस साहिबाबाद तेलंगाना में फाइल की थी, सेम एलिगेशंस लगाई थी। 17 जनवरी 2021 को एक एफआईआर थी वो रजिस्टर्ड हो गई थी जो कंप्लेंट थी अपीलेंट ने दी थी 17 जनवरी 2021 को जो दी थी। अब इसके बाद हाई कोर्ट में जो केस डाला गया 482 CRPC में सेकेंड टू फाइव रेस्पॉन्डेंट्स ने पटिशन फाइल की थी, मीन्स सब ने चारों के चारों ने एक पटिशन थी वो फाइल की थी, क्वेश्चन पटिशन कि एफआईआर को क्वेश कर दिया है, लेकिन सिंगल जज थे हाई कोर्ट के, उन्होंने 1 जून 2021 को क्वेश्चन पटिशन को पार्शली अलाउड कर दिया और जो प्रोसीडिंग्स थी 4 और 5 रिस्पोंडेंट को उसको क्वेश कर दिया। अब उस जो जजमेंट को यहाँ पर अपील के तौर पे चैलेंज किया गया है, और काउंसिल जो थे अपीलेंट के उन्होंने ये कहा कि कंप्लेंट्स जो थी वो अपीलेंट ने डिफरेंट डेट्स पे दी थी और इसके साथ में ये कहा था कि जो इन्वेस्टिगेशन थी वो अभी नेसेंट स्टेज पे है, हाई कोर्ट को अभी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए इस स्टेज पे, और इम्पिंच्ड एफआईआर में वो एक कंपेंडियम ऑफ प्रोसिक्यूशन केस की तरह नहीं ट्रीट किया जा सकता है, और जो क्वेशिंग जो है वो बिना पुलिस को इन्वेस्टिगेशन किए बिना एफआईआर को इन्वेस्टिगेशन किए बिना उसको अलाउ नहीं किया चाहिए। और फिर यहाँ आगे पॉइंट किया कि अपीलेंट और हस्बैंड जो है वो एक टेरर के एटमोसफेयर में रह रहे थे जो जैसे कि लेटर में बताया 29 मार्च 2019 को, और एनवलप में मीन्स जो एनवलप था अपीलेंट ने हस्बैंड ने स्पेसिफिकली कहा था कि जो कॉपी जो है वो फॉरवर्ड की जाए जब उनकी मृत्यु हो जाए तो उनके बाद। तो अब इस जजमेंट पे रिलाई किया था निहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर्स, और काउंसिल ने सबमिट किया कि जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है उसको स्कटल्ड अभी रोका नहीं जा सकता इनिशियल स्टेज में है, और एफआईआर को क्वेश नहीं किया जा सकता सिर्फ बाय द वे ऑफ एक्सेप्शन के तौर पे,
ठीक है, और फिर सदर ने सबमिशन की कि कोई स्पेसिफिक एलिगेशन, ये कहा कि फाइंडिंग्स थी कि हाईकोर्ट की, क्योंकि स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है फोर्थ और फिफ्थ रिस्पॉन्डेंट की, ये कहा एकदम हाईकोर्ट का जो निर्णय था एकदम एरोनियस था, गलत था। तो अटेंशन थी वो कॉरेस्पॉन्डेंस जो दी गई थी अपीलेंट डॉटर ने, और अपीलेंट ने जो पुलिस में दी थी जिसमें स्पेसिफिक एलिगेशन थी चारों फाइव रिस्पॉन्डेंट्स ने दिया था, जो सीनियर काउंसिल अपेयर हुए थे रिस्पॉन्डेंट नंबर टू से लेकर फोर तक, उन्होंने सबमिट किया था कि प्रोसिक्यूशन इस जो अपीलेंट के कहने पर जो प्रोसिक्यूशन चल रहा है वो कम्प्लीटली अब्यूज प्रोसेस ऑफ लॉ है, और हाई कोर्ट का जो व्यू है उसमें कोई किसी प्रकार की इंटरफेरेंस की आवश्यकता नहीं है। अब कोर्ट ने कहा हम पहले केयरफुली एग्जामिन करेंगे कि जो इम्पिंज जजमेंट है वो सिर्फ इस लिमिटेड एक्सटेंट पर देखेंगे कि जो ऑर्डर ऑफ क्वेश्चनिंग था एफआईआर का वो सिर्फ चार और पांच के ऊपर जो रिस्पॉन्डेंट के ऊपर क्वेश्चन की थी वहां क्या वो ठीक था गलत था यहाँ तक ही सीमित रहेंगे, और अब यहाँ पर एग्जामिन नहीं करेंगे केस को कि जो अपीलेंट ने बनाया है सेकंड और थर्ड रिस्पॉन्डेंट का। अपीलेंट और अब फैक्ट्स पे आए, अपीलेंट और हस्बैंड ने एक डीड थी एग्जीक्यूट की थी 4 सितंबर 2017 को 7 सितंबर 2017 को, तो दोनों के बीच में देर डीड ऑफ रेक्टिफिकेशन भी दी गई थी 16 अक्टूबर 2017 को, जो गिफ्ट डीड थी 4 सितंबर 2017 की उसके आधार पे गिफ्ट मीन्स डीड ऑफ रेक्टिफिकेशन दी थी। अब यहाँ पे कहा कि हमने लेटर को प्रस्यू किया 29 मार्च 2019 को, वहां पे अपीलेंट के हस्बैंड ने एक लेटर लिखा था। अब यहाँ पे कहा कि जो लेटर था वो 16 महीने के बाद जो जब एग्जीक्यूशन हो गई थी सेकंड गिफ्ट डीड के, तो उसके 16 महीने बाद लिखा था, उसमें किसी प्रकार की एलिगेशंस नहीं थी चार और फिफ्थ रिस्पॉन्डेंट के जो लेटर दिया गया था। अब केयरफुली प्रस्यू किया है कि जो कंप्लेंट्स थी 7 नवंबर 2020 की 12 नवंबर 2020 की, जो जिसमें अपीलेंट ने एड्रेस किया था दो ऑफिसर्स, अपीलेंट डॉटर ने एड्रेस किया था टू ऑफिसर इन चार्ज और टू डिफरेंट पुलिस स्टेशन। लेटर जो 7 नवंबर 2020 का था उसमें ये रिकॉर्ड में ये बताया था फोर्थ रिस्पॉन्डेंट जो है वो ऑलरेडी वो यूके में जा चुकी हैं, वहीं पर रह रही हैं, कोई स्पेसिफिक एलिगेशंस नहीं है चार और पांच रिस्पॉन्डेंट को जो कंप्लेन में बताई गई थी। और जैसा कि बताया गया था लेटर में 7 नवंबर 2020 को वो लेटर भेजा गया था अपीलेंट की डॉटर ने इन जनवरी 2020 में, और अपीलेंट हस्बैंड ने एक कॉपी ऑफ लेटर थी वो 29 मार्च 2019 को दी थी। दोनों लेटर में सिर्फ वेग और जनरल एलिगेशंस थी चार और पांच रिस्पॉन्डेंट के केस में, और राइटिंग में बताया गया कि 24 नवंबर 2020 को जो साइन किया गया था अपीलेंट ने, और उसने कंप्लेंट किया था कि उनकी बर्न्स इंजरीज वहां सफर्ड हुई है। लेटर में भी कोई स्पेसिफिक एलिगेशंस नहीं लगाई थी फोर्थ और फिफ्थ रिस्पॉन्डेंट के। तो कंप्लेंट जो दी गई थी 7 दिसंबर 2020 को जो एड्रेस हुई थी अपीलेंट ने कमिश्नर ऑफ पुलिस साइबराबाद तेलंगाना में, तो इसमें सिर्फ जनरल एलिगेशंस थी वो लगाई गई थी चार और फाइव फिफ्थ रिस्पॉन्डेंट के, और जो कहा कि वो हैंड इन हैंड पे एक्ट कर रहे हैं जैसा एक सेकंड और थर्ड रिस्पॉन्डेंट कह रहे हैं। तो इस प्रकार की सिर्फ एलिगेशंस थी फोर्थ और फिफ्थ रिस्पॉन्डेंट में, और कंप्लेंट थी 11 जनवरी 2021 में जो कि अपीलेंट ने दी थी, उसमें कहा था कि बेल्ड एलिगेशंस थी सेकंड टू फिफ्थ रिस्पॉन्डेंट में, और उसने उसने कहा था कि उन्हें कंपेल किया जा रहा है उनके हस्बैंड को कि वो एग्जीक्यूट करें सैलरी गिफ्ट डीड को, और साथ में कहा कि थर्ड और सेकंड और थर्ड रिस्पॉन्डेंट्स के ही इल ट्रीट कर रहे हैं। अब यहाँ पे कहा कि जो डिले था रजिस्ट्रिंग ऑफ एफआईआर जो लेटर था वो 29 मार्च 2019 को था, जो कि अपीलेंट और जो उनके जो हस्बैंड ने एड्रेस किया था, तो कहा था कि 29 मार्च 2019 को उनके जो डिसीज हस्बैंड हैं वो अवेयर थे कि दो गिफ्ट जो उन्होंने एग्जीक्यूट की हैं एंड और अपीलेंट ने एग्जीक्यूट किए। अपीलेंट हस्बैंड ने कंप्लेंट किया था कि गिफ्ट डीड जो है 16 महीने के बाद जब एग्जीक्यूशन हो गई थी सेकंड गिफ्ट डीड की, तो उन तब इसके बारे में कंप्लेंट की थी। फर्स्ट कंप्लेंट थी वो 24 नवंबर 2020 की थी। अब कहा कितने देरी के बाद और प्रस्यू करने के बाद जो लेटर्स और कंप्लेंट्स हैं अपीलेंट्स की और लेटर जो एड्रेस किए गए थे उनके अपीलेंट के द्वारा हस्बैंड और डॉटर को, और यहाँ पर हमने पाया है कि अपीलेंट ने किसी प्रकार की एलिगेशंस थी वो फोर्थ और फिफ्थ रिस्पॉन्डेंट के अगेंस्ट में नहीं लगाई थी, क्योंकि उनका कोई स्पेसिफिक रोल भी है, रोल जो प्ले किया गया था फोर्थ और फिफ्थ रिस्पॉन्डेंट का वो स्पेशल नॉलेज ऑफ द अपीलेंट में था, और अब यहाँ पर बताया कि वो इम्प्रूव नहीं कर सकती हैं अपनी जो कंप्लेंट्स लेटर थे अगर कोई इन्वेस्टिगेशन भी उनके अगेंस्ट में चलती है, तो अगर इन्वेस्टिगेशन भी उनके अगेंस्ट में चलती है तब भी उस प्रकार की इम्प्रूवमेंट्स नहीं कर सकती हैं। और यहाँ पर बताया कि जो व्यू टेकन था हाईकोर्ट द्वारा एफआईआर को क्वैश कर देना चाहिए जो फोर्थ और फिफ्थ रिस्पॉन्डेंट के थे, क्योंकि उनका कोई फॉल्ट नहीं था तो इसलिए कोई केस नहीं बनता है क्रिमिनल अपील में, तो इसलिए क्रिमिनल अपील जो थी
कंप्लेंट की थी उसको खारिज कर दिया, डिसमिस कर दिया, तो ये जजमेंट आई थी। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।